दिल्ली में आज की सुबह बहुत जहरीली हुई है। प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए हर तरफ जहरीली हवा का प्रकोप है। सबसे पहले दिल्ली में प्रदूषण पर लाइव अपडेट क्या है, उसके लिए मैं रुक करूंगी मेरी सहयोगी रोमाना का। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक लेवल्स पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की हवा इस वक्त जहरीली हो चुकी है। बड़ी बातें क्या है इससे जुड़ी हुई, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की वजह से अब स्कूल बंद हो सकते हैं। ये बड़ा एहतियाती कदम जो दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है। प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद हो सकते हैं और इस बारे में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले कहा कि उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से इस बारे में विचार करने को कहा है। प्रदूषण की वजह से एक तो दिल्ली में स्कूल बंद किए जा सकते हैं, ये बड़ा कदम जो दिल्ली सरकार फौरन उठा सकती है बच्चों को इस खतरनाक प्रदूषण से, इस जहरीली हवा से बचाने के लिए। प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद हो सकते हैं। आपको बता दें आज सुबह ही IMA की तरफ से भी यह सुझाव दिया गया था कि कम से कम बच्चों को तो आप इस जहरीली हवा से बचाइए। और इसी सिलसिले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से कहा है कि इस मामले पर विचार करें। और यह भी आपको बताते चलें यहां पर कि अभी कार्यक्रम चल रहा है जहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से बात कही गई है, उसी कार्यक्रम में मौजूद है मनीष सिसोदिया और शायद कुछ ही देर में यह औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाए कि कुछ दिन के लिए दिल्ली के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस पर विचार जारी है। पल्लवी जी, रोमाना, ये बेहद चिंता की बात है, खासतौर से छोटे छोटे बच्चों के लिए। और आपने भी देखा होगा जब आप सुबह उठे होंगे किस तरह से हवा में ऐसा लग रहा था जैसे धुंध हो, लेकिन वो धुंध नहीं थी, वो प्रदूषण था। दिल्ली का कितना बुरा हाल है ये दिखाने के लिए हम आपको विमान से ली गई तस्वीरें दिखाते हैं। उसके जरिए आप जान पाएंगे कि दिल्ली में जहाँ पर इस वक्त आप सांस ले रहे हैं वो कितनी जहरीली हवा है। देखिए, पहली तस्वीर है उड़ान के वक्त, जिस वक्त उड़ान भर रहा था प्लेन, उस वक्त की तस्वीर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोहरे जैसा नजर आ रहा है, लेकिन ये है प्रदूषण, देख सकते हैं आप। इसी वजह से बहुत से विमानों में देरी हो रही है, बहुत सी उड़ानों में, और बहुत सी उड़ानें कैंसिल हो रही हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त उड़ान भर रहा है विमान, उस वक्त भी हवा इस तरीके से नजर आ रही है जैसे कि कोहरा हो। अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जब विमान जमीन से 10,000 फीट ऊपर पहुंच गया है। देखिए, इस वक्त भी कुछ ऐसा ही नजारा, ये दिल्ली के ऊपर पहुंचा है। 10,000 फीट पर विमान से ली गई तस्वीरें हैं, अभी भी दिल्ली की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही। नीचे देखने पर सिर्फ इस तरीके से धुंधली धुंधली सी तस्वीरें नजर आ रही हैं, लग रहा है जैसे धुंध पड़ी हो, फॉग हो, लेकिन ये फॉग नहीं है, ये प्रदूषण है। और जब उड़ान के 20 मिनट बाद दिल्ली से दूर आगे निकल जाते हैं तो देखिए आसमान से उतनी ही ऊंचाई से कुछ कुछ जमीन पर नजर आने लगता है, ये देखिए। लेकिन आपको ये देखकर हैरानी हुई होगी कि 20 मिनट पहले जिस वक्त विमान दिल्ली के ऊपर था, जो बीच वाली तस्वीर है, 10,000 फीट ऊपर है जब विमान दिल्ली के, उस वक्त का हाल कैसा है, बिल्कुल धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और जमीन दिख ही नहीं रही। लेकिन जैसे ही दिल्ली से थोड़ा दूर जाते हैं उस वक्त की तस्वीरें देखिए, काफी कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जो आप सांस ले रहे हैं वो किस खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है, वो हवा आपके सांस बनी हुई है इस वक्त, और कितना नुकसान ये आपके शरीर को अंदर से पहुंचा सकती है। इसलिए दिल्ली सरकार ये फैसला ले सकती है कि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएं ताकि छोटे छोटे बच्चों को अपने घरों से बाहर ना निकलना पड़े। तो ये तीन तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की सांस इस वक्त आप लेने को मजबूर हैं और ये जो प्रदूषण का स्तर है वो कितना खतरनाक है और कहाँ तक पहुँच चुका है। ये विमान से दिल्ली की तस्वीरें ली गई हैं, ऊपर से तस्वीरें ली गई हैं, 10,000 फीट की ऊंचाई से भी अगर तस्वीर ली गई तो भी जमीन नजर नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण नजर आ रहा है। और आप जब सुबह उठे होंगे या रात को सोए होंगे तो आपको इस बात का अंदाजा जरूर लग गया होगा अपनी खिड़कियों से, जब आपने बाहर देखा होगा या जब आप बाहर निकले होंगे कि किस तरीके से धुंध नजर आ रही है, लेकिन वो धुंध नहीं थी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये प्रदूषण की तस्वीरें हैं। पत्रकार और फिल्मकार विनोद कापड़ी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद कापड़ी, आपने ही ये तस्वीरें ली हैं, क्या जब आपने ऊपर से देखा तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा था नीचे? मैं दरअसल आज सुबह, मुझे 8:30 बजे की फ्लाइट थी और इसके लिए मैं सुबह 6 बजे जब घर से निकला उसी वक्त मुझे दिल्ली के पूरे माहौल में बहुत ज्यादा प्रदूषण दिख रहा था। और जब फ्लाइट देरी हुई उसको, उसके बाद मुझे लगा कि जब फ्लाइट उड़ेगी तो उसके बाद मैं ऊपर आसमान से देखने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली दिखती है कि नहीं दिखती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो कि आप यकीन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने आपको तस्वीरें और वीडियो मैंने ट्विटर पर भी शेयर की थी। और टेक ऑफ हुआ ही है, उसके बाद
दिल्ली की एक इमारत, कोई बिल्डिंग, कोई पेड़ पौधा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और ये सिलसिला लगातार तकरीबन 15-20 मिनट तक रहा, जब तक दिल्ली के आसमान में विमान था। दिल्ली एकदम धुंध में, प्रदूषण में, जो हवा, जो जो कहते हैं कि एकदम दिल्ली एकदम काली दिख रही थी, उसका लग ही नहीं रहा था कि आप दिल्ली के बीच में, आप लग रहा था कि आप कहीं गुम हो गए हैं और दिल्ली एकदम गायब थी आपकी नजरों के सामने से। ये एक वक्त था कि जब हम बात करते थे कि हमें जुगनू नहीं दिखते हैं, हमें तारे नहीं दिखते हैं। अब हमको दिल्ली में रह करके आसमान, अपना नीला आसमान नहीं दिखता, अब सूरज नहीं दिखता। कुछ ऊंचाई पे पहुंचा, करीब 10-15 हजार फीट की ऊंचाई पर जब विमान पहुंचा तो वहां से दिख रहा था कि मौसम कितना साफ था, सूरज बहुत चमक रहा था, नीला आसमान था। लेकिन दिल्ली के लोगों को, नोएडा के लोगों को, गाजियाबाद के लोगों को ये मुझे नहीं लगता कि आज सुबह 12-1 बजे तक नसीब हुआ होगा। बिल्कुल विनोद जी, बहुत चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये विनोद कापड़ी ने ली हैं, अपने कैमरे से ये तस्वीरें ली हैं। उड़ान के वक्त की तस्वीर है, उसके बाद 10,000 फीट की ऊंचाई से ये तस्वीर ली गई है। लेकिन जैसे ही दिल्ली से आगे विमान बढ़ता है 20 मिनट की दूरी पे, तब जमीन नजर आने लगती है, यानी कि वहां पर प्रदूषण का स्तर कम है। लेकिन जहां पर हम सांस ले रहे हैं, पूरे दिल्ली NCR में यहां पर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है प्रदूषण, और जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।